अब सलमान खान भी लव जिहाद के चक्कर में फंसने वाले हैं। इसका मतलब ये ना निकाले कि वो किसी हिंदू लड़की से शादी करने जा रहे हैं, बल्कि वो इस चक्कर में पड़े हैं अपनी आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान की वजह से। पीके के बाद अब हिंदुओं के निशाने पर है सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान। सूत्रों की माने तो इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान को लगातार धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बजरंगी भाईजान लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनी है। वहीं विरोधियों को फिल्म के टाइटल पर भी आपत्ति है। अब देखना यह है कि विरोध के बावजूद ये फिल्म कितने रिकॉर्ड तोड़ पाती है। जाने माने निर्देशक राजकुमार हिरानी संजय दत्त के जीवन पर फिल्म बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म में संजय का किरदार निभाने जा रहे हैं चॉकलेटी रणबीर कपूर। खबर है कि माचो मैन संजय की तरह दिखने के लिए रणबीर भी अपना वजन बढ़ा रहे हैं। राजकुमार हिरानी का कहना है कि रणबीर ही ऐसे अभिनेता है जो उस समय के संजय दत्त की तरह दिखते हैं जब उनकी पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी। आज हम लेकर आए हैं फिल्म टेक इट इजी का रिव्यू। फिल्म में एक सोशल मैसेज देने का प्रयास किया गया है। छोटे बच्चों के नाजुक कंधों पर बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है। खेल का मैदान हो या परीक्षा, बच्चे को फर्स्ट ही आना है। अपने सपनों को पूरा करने में असफल रहे माता पिता इसकी जिम्मेदारी बच्चों पर इस उम्मीद के साथ डाल देते हैं कि वह उसे पूरा करें। बच्चों के दिमाग का प्रेशर कुकर बना दिया गया है और यही कारण है कि कम उम्र के बच्चे आत्महत्या जैसे भयानक कदम भी उठा लेते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर तैयार की गई फिल्म टेक इट इजी। संदेश तो उम्दा है, लेकिन एक फिल्म में संदेश को मनोरंजन के साथ कहना बहुत मुश्किल काम है। बहुत कम निर्देशक ऐसा कर पाते हैं। सुनील प्रेम व्यास ने अपने लेखन और निर्देशन के जरिए अपनी बात को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जो ताना बाना बुना है वह प्रभावी नहीं है।